आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छात्रों से बोले पीएम मोदी, मोटिवेशन कोई इंजेक्शन नहीं, खुद को जानकर ही मोटिवेट हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाएगी यूपी पुलिस, फिर सक्रिय हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड। यूपी के विधायकों और अफसरों को योगी, सीएम योगी का निर्देश, कहा गोद लेना होगा एक स्कूल। दूसरी पारी में आज पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी, रामलला के करेंगे दर्शन। टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर औरैया से है, जहां हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू। कहाँ के निवासी है? ग्राम तकिया। थाना? अरवा कटरा। क्या हादसा, कैसे क्या हुआ? वो ये मेरे गांव घर के पास से 11,000 लाइन गुजरी है, जो वो मेरे बिल्कुल मकान से लगी हुई है। एक बिती का अंतर है। मैंने लाइन मैनों से और जेई वगैरह से मैंने कहा ये लाइन हटवा दो, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। तो मेरे दाऊ हैं, क्या नाम था दाऊ? श्री मेवाराम। तो चाली हटा रहे थे, बिल्कुल दीवार से लगी हुई है लाइन बिल्कुल, तो धोखे से उनका हाथ लग गया, सो एक्सपायर हो गए, यहाँ से गिरे, करंट लगा, नीचे आए, गिर के ख़त्म हो गए। आपने थाना अरवा कटरा सूचना दे दी? बिल्कुल सूचना दे दी और जेई वगैरह से भी कह दिया। जहां अधिकारियों की मौजूदगी में गैंगस्टर आरोपियों के घर पर चस्पा किया जा रहा है और कुर्की वारंट और गेहूं की फसल खड़े खेत में प्रशासन ने झंडे गाड़े। बता दें कि अधिकारियों ने गैंगस्टर आरोपी के परिजनों और सभी ग्रामवासियों को चेतावनी दी और कहा अगर खेत की फसल से छेड़छाड़ होगी तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। बता दें पूरा मामला कोतवाली दातागंज के गाँव भटौला का है। चस्पा किया गया, क्या पूरा मामला है सर? इसमें संजीव उर्फ सीटू, ये भटोली के रहने वाले हैं और अवैध धंधे ये करते थे। उस अवैध धंधे जो इन्होंने किए उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस समय संजीव उर्फ सीटू जेल में निरुद्ध हैं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई उसमें इन्होंने अवैध तरीके से धन अर्जित करके जो संपत्ति बनाई थी वो संपत्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 29/3/2022 के अनुसार को रख कर ली गई है। उनके आदेश के अनुपालन में आज हमने मौके पर यह समस्त कार्रवाई कुर्की की है। खबर मथुरा से है, जहां यमुना आरती के दौरान श्रद्धालुओं से भरी हुई नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव यमुना में गिर गई। हादसा होते ही आरती कर रहे श्रद्धालुओं ने यमुना जी में कूदकर बुजुर्गों की जान बचाई। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि ज्यादा गहराई ना होने के कारण बड़ा हादसा टल गया और बता दें कि श्रद्धालुओं ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। खबर गोरखपुर से है, जहां पुलिस कर्मियों ने देखा कश्मीर फाइल, कश्मीर पंडितों के साथ किस तरह जुल्म हुआ, फिल्म से कितना बदलेगा पुलिस वालों का माइंड, इसको लेकर पहल शुरू की गई है। लगातार गोरखपुर से सिनेमा घरों में फिल्म दिखाई जाएगी। बता दें कि इसकी शुरुआत विजय टॉकीज से की गई है। बहुत अच्छी मूवी रही, हमें काफ़ी समय बहुत अच्छी मूवी देखने मिली।
हमें काफ़ी समय बहुत अच्छी मूवी देखने मिली और जो दिखा मूवी हमने देखा भविष्य में कभी ऐसी पुनरावृत्त नहीं होनी चाहिए। हम मानिए अपने अधिकारी को जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें ऐसी मूवी दिखाई गई जी। फिल्म एंटरटेनमेंट का बहुत बढ़िया थी, सभी को देखना चाहिए। जैसे बहुत लोगों का कहना है कि ये दिल को छू लेने वाली कहानी है, इसमें क्या चीज़ ऐसा लगा जो दिल को छू रहा? हर एक पहले दिल छू लेने वाला था, बाकी लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे इस चीज़ को। भाई मूवी बहुत बढ़िया है, सभी देखनी चाहिए। अगर इसको मूवी ना कह के सच्ची घटना कहा जाए तो ज्यादा ये जी, हम तो एंटरटेनमेंट पर्पस कहेंगे। खबर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद एके कॉलेज से जुड़ी है, जहां क्लास 12वीं की पढ़ाई कर रहे तहसील जसराना के गांव एका के 3 युवकों ने अपने खून से राज्यपाल और भारत सरकार को खत भेजकर भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग की है। तीनों छात्रों का कहना है कि हम दूसरी रेजिमेंट जैसे जाट गोरखा रेजिमेंट की भर्ती ही अहीर रेजिमेंट का गठन कराना चाहते हैं, जिसमें हम अहीरों का बलिदान और समर्पण अहीर रेजिमेंट के माध्यम से ही हो। नाम है और मैं एक आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, तो बस मेरी यही मांग है कि आर्मी में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। और बहुत दिनों से मांग चली आ रही है और हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है और लोगों के प्रति जागृत भी कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन लगातार हमारा जारी रहेगा, जब तक कोई अरेंजमेंट मांग की कोई सुनवाई नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही धरना देते रहेंगे। आखिर अहीर रेजिमेंट क्यों बनाया जाए? अहीर रेजिमेंट अहीरों का बहुत बड़ा बलिदान रहा है, जैसे कारगिल 1999 में हुआ जो अहीरों के प्रति है, रेजंगल अहीर वो भी एक अहीरों के नाम ही था। चीन से जो वो हुआ था जिसमें 1300 चीनों पर 120 अहीर जिसमें से 114 अहीर शहीद हुए थे, वो भी एक युद्ध था जिसमें अहीरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बस मेरी यही मांग है कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो और आगे यही हम धरना देते रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की आवास की दीवार पर वाइस चांसलर के खिलाफ और वाइस चांसलर के एक साल के बढ़ाए गए कार्यकाल को लेकर आपत्तिजनक स्लोगन लिखे गए हैं। वहीं इस मामले पर कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 5 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया है। पूरे घटनाक्रम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि 25-26 की रात में कुछ शरारती तत्वों ने वीसी के रेजिडेंस की दीवार पर कुछ आपत्तिजनक स्लोगन लिखे थे। यूनिवर्सिटी ने एक शो कॉज नोटिस दिया है और अभी एक दो दिन पहले, 3 दिन पहले, पता नहीं कितने दिन पहले वो वाइस चांसलर लॉज की दीवारों पे कुछ स्लोगन्स लिखे थे। अब किसने लिखे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बदले में शो कॉज मुझे मिला है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा इंतज़ामिया से कि मैं इतना डरपोक नहीं हूँ, अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और बिल्कुल सामने रह करके, कभी छुप करके कोई काम नहीं किया है मैंने। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट होता है किसी चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट करना, और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो फ्रंट पे आके करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मास्क लगा लें या चेहरा कवर करके प्रोटेस्ट करते हों। हम लोगों ने जितने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करे बिल्कुल ओपनली किए हैं और सबको पता होता है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फ्रंट पे होते हैं। अब जो काम हमने नहीं किया उसके लिए भी इंतज़ामिया हमें ज़िम्मेदार ठहराए, तो ये इंतज़ामिया की नाकामी है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी जो LIU यूनिट है, इनका जो CCTV कंट्रोल है, सब फेल हो गया इस मुद्दे पर। इनको पता ही नहीं है किसने किया, किस डेट में किया, इवन ये तक नहीं पता है। शो कॉज नोटिस में डेट्स भी उन्होंने 2 लिखी है कि 25 या 26 में ऐसा हुआ, मतलब CCTV है वहाँ पर, आपकी LIU यूनिट है, आपको ये नहीं पता किस डेट में वो काम हुआ है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊँ, मैं आह भी करता हूँ तो हो जाता हूँ बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम लोग तो बस एक एक्टिव स्टूडेंट हैं, इसी का जुर्म है कि कोई कुछ करके जा रहा है, इनको पता भी नहीं चल रहा है। और 25 और 6 की जो रात की इन्होंने बताया कि इस तरीके से जो स्लोगन लगे हुए हैं, इसका यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को ही नहीं पता है कि ये स्लोगन कब लिखे गए, 2 रात के बारे में ये बता रहे हैं। और मैं ये चीज़ और इसमें बता दूं कि अगर इनको कोई भी एविडेंस मिलता है तो तत्काल कार्रवाई करें, और अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब इंतज़ामिया फेल हो चुकी है। और तारिक मंसूर साहब के कहने पर जो चंद स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव हैं, जो इनके कारनामों को गिनाने के लिए तैयार हैं,
जो काले दिन हम सब के साथ में गुजरे हुए हैं, चाहे 15 दिसंबर हो, उसके बाद 2.5 साल का अर्सा गुजर गया है। बीए की क्लासें बंद हैं, ऑफलाइन नहीं हो पा रही हैं और मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं कि 10 दिन बाद खोलेंगे, 10 दिन बाद खोलेंगे। उन्हीं कारनामों को छुपाने के लिए हम लोगों को सुकाज नोटिस दे रहे हैं और डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इंतज़ामिया को चैलेंज कर रहा हूँ, क्यों इस तरीके के खुद हिरास चुके हैं और उसके बाद हम लोगों के ऊपर इस ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने नोटिस दिया है कि आप 25th and 26th की नाइट में आपने कुछ इलीगल लड़कों को बुलवा करके यूनिवर्सिटी की दीवारों पर स्लोगन्स लिखे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमें नोटिस मिला है इंतज़ामिया से। क्या कहना चाहते हैं, क्या आप लोगों ने लिखा है? मैं तो उस रात 25th and 26th में घर पर था, मेरे पास में एविडेंसेस मौजूद हैं। और दूसरी बात, मैं इंतज़ामिया के ताल्लुक से ये कहना चाहता हूँ, ये जो नोटिस का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, ये महज सिर्फ ऐसा है कि जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको डराने का एक तरीका है, और यूनिवर्सिटी जो खुलने वाली है तो वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए, इनके जो काले कारनामे हैं उनके ऊपर खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए, इस वजह से इन्होंने ये प्रेशराइज करने के लिए जो एक्टिव लड़का है और जो किसी से मुफाद नहीं है उन्हें, ना वाइस चांसलर से ताल्लुकात का वो ख्वाहिशमंद है, ना ही रजिस्ट्रार के यहाँ उसे चाय पीनी है, तो ये उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। खबर राय बरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का पारिवारिक वाहन दुर्घटना में बाल बाल बच गया। वाहन का अगला टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर ई रिक्शा से टकरा गई। वहीं इस दुर्घटना में ई रिक्शा चालक के पैर में गंभीर चोट आई है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालांकि डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। और अरे वो जज साहब की गाड़ी आ रही थी, सकाई गाड़ी में थे, पीछे दूसरी गाड़ी मुझे फैमिली की थी, उसी से अगला टायर तक गया बाएं का, और तो बाएं टायर लगा तो टायर गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और बगल में ऑटो टायर फ्लास के जा रहा था उससे लड़ गई। ऑटो वाले ड्राइवर का पूरा पैर नीचे फट गया। अच्छा, मतलब और फिर एम्बुलेंस बुला के उसको जिला अस्पताल पहुँचा। जज साहब को कहाँ गए? जज साहब के BPWD गेस्ट हाउस गए। खबर गाजीपुर से है, जहां से जनपद में किसानों के गेहूं की खरीदारी जनपद के 65 क्रय केंद्रों के माध्यम से शुरू होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद गेहूं की खरीदारी होगी। वहीं अगर किसानों को 100 क्विंटल से ज्यादा की फसल बेचने के लिए SDM से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अगर किसानों को किसी भी तरह की समस्या होगी तो कंट्रोल रूम में उनकी समस्या आने पर उनका निस्तारण भी किया जाएगा। जनपद गाजीपुर में गेहूँ क्रय केंद्रों के लिए कुल 65 क्रय केंद्र खोले गए हैं और इन सभी क्रय केंद्रों पर 1 अप्रैल से खरीद प्रारंभ की जा रही है, जो 15 जून तक होगी। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में 7 तहसीलों में 65 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो विभिन्न क्रय एजेंसियों द्वारा स्थापित कराए गए हैं। उसमें जो क्रय केंद्र प्रभारी लगाए गए हैं, नोडल अधिकारी के रूप में राजस्व कार्मिक लगाया गया है और जनपद स्तरीय परीक्षण अधिकारी लगाए गए हैं। संबंधित उपजिलाधिकारी उसके नोडल है तहसील स्तर पर, और जनपद स्तर पर ADMFR जिला गेहूं खरीद अधिकारी है और उनके सहयोग के लिए सहायक गेहूं क्रय अधिकारी TPRMO है। इन सभी के साथ कल एक बैठक हमने की है और सभी को 1 अप्रैल से गेहूं क्रय के लिए संबंधित निर्देश जो शासनादेश द्वारा मिले हैं उसको बताया गया है, और प्रयास ये किया जा रहा है कि 1 अप्रैल से 15 जून तक सभी जनपद के किसानों से गेहूँ क्रय की जाए और इसमें किसानों को कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्था मुकम्मल है। खबर देवरिया से है, जहां 700 वर्षों से पुराना देवहरि मंदिर श्रद्धालुओं में एक आस्था का केंद्र माना जाता है। ये मंदिर प्राचीन काल से ही आस्था का केंद्र है। चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई देती है। लोग अलग अलग जनपदों से आकर देवहरि मां का दर्शन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में 24 घंटे के अंदर देवी माँ साक्षात दर्शन देती है। जो श्रद्धालु अपने मन से मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर के नाम पर ही देवरिया का नाम रखा गया है। देवरही माँ, इस बगल में आप जो देख रहे हैं पोखरे को, इसमें से अपने आप खुदाई होते समय माँ की प्रतिमा जो थी वो प्राकट्य हुआ। उसके बाद से यहाँ बहुत वर्षों पहले, 50 वर्षों पहले झोपड़ी नुमा में माँ का वास था,
इसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ। देवरही माँ के नाम से इस जनपद का नाम देवरिया पड़ा। 700 वर्षों पहले की घटना है। इस समय हम देवरिया जनपद के देवरही मंदिर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस मंदिर की खासियत लगभग 700 वर्ष पुरानी ये मंदिर है और यहाँ मान्यता है कि यहाँ माता रानी, यहाँ आपको दिखा सकते हैं कि कैमरे से, यहाँ पोखरे हैं, पोखरे से यह माता मान्यता है कि यहाँ माता रानी की उत्पन्न हुई थी और लोग मानते हैं कि यहाँ जो भी लोग मानते हैं सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं और यहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं, कई जनपदों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत आपको बता दें कि यहाँ नवरात्र में सबसे बड़ी मेला लगती है और यहाँ मेला की खासियत यह होती है कि नवरात्र में देवी माता की यहाँ लोग दर्शन करते हैं और 24 घंटे में एक बार माता रानी अपनी प्रतिभा दिखाती है, जैसा कि लोग मान्यता बताते हैं। और आपको मैं लेकर चल रहा हूँ, लगातार आपको कैमरे में दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ देख सकते हैं कि साधु संत यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हैं और अपने तपस्या में लीन है। मैं आपको ऐसे ही पल पल की अपडेट लगातार दिखाता रह रहा हूँ मंदिरों की। मैं प्राइम टीवी के साथ रवि रावत, देवरिया। खबर अलीगढ़ से है, जहां कोतवाली इगलास के कस्बे में पूर्व जिला पंचायत सदस्य बबलू प्रधान के भतीजे ने दबंगों के साथ मिलकर एक युवक से जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित युवक का कहना है कि वो पेंट की दुकान में कुछ सामान लेने आया था, जिसके बाद दबंगों ने उसे जान से मारने की नीयत से पहले तो उसके साथ दुकान में घुसकर मारपीट की और फायरिंग भी की। मैं शादी मेरी 17 तारीख को मेरे भैया की शादी, तो मैं पेंट की दुकान की सामान लेने के लिए आया था दुकान से। तो सराय मेरी दुकान है मथा रोड पर, प्रवीण भाई की दुकान है, तो वहाँ पे मैं सामान लेने के लिए आया था। साथ में नॉबिल, उसके साथ 3-4 बंदे और एक डाले, मतलब तो उन्होंने मेरे साथ देख के मुझे अपनी साजिश बना ली। मुझे देख के मैं दुकान में सामान ले आया, अचानक वो आ जाते हैं दुकान में, घुसाते हैं, कट्टे से फायरिंग करते हैं, मेरे ऊपर चलाते हैं, मैं बाल वाल बचा था। तो उसके बाद भीतर से निकाल के दुकान में से मेरे ऊपर हाथापाई करते हैं, वो कट्टा निकाल के बट मारा था निशान पे, सिर पे। और फिर उसके बाद कौन कौन लोग हैं, कहाँ से हैं वो? वो बसावली के, क्या क्या नाम है? नॉवेल और बबलू के कहने पर, बबलू जो है उनके साथ ही है, मौसी का लड़का है। कौन है बबलू? बबलू ये बदमाश स्टीट है इस क्षेत्र का, पहले से इसने मेरे को कई बार वार किए हैं, मैं कई बार बचाऊँ, उन्हें कई बार मेरा पीछा किया है। अब आज इसने मुझे मौके देख के निशान। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड की सलामी लेते हुए परेड का निरीक्षण किया, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई और खुद भी दौड़ लगाकर सभी पुलिस कर्मियों को व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं इस दौरान SP ने पुलिस लाइन में अनुशासन और एक रूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल भी करवाया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।